गोविंद जी सर, फोटो भी अंदर भी खींचना है। थैंक यू सो मच। और ये सचिश को बुलाइए, महादेव। अरे मैं अभी वहां पे टेंपल कुमारी अल मार्कोस सर, वी शेयर अ लॉट ऑफ ऑफिस वहां, वी शैल गेट इट प्लेस वंस मोर। दर्शन के बाद सचिश ये बिल लीजिए, आप तब तक बनवाइए वो, ठीक है। इसको किसी को लेके चलने की बताइए। अभी कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, कुछ दान दिया है, क्या है, बाबा को क्या अर्पित किया है, कौन लोग हैं, जानना चाहूँगा। हर हर महादेव। मेरे साथ बैठे हुए जो दानदाता हैं, आप लोग दक्षिण भारत से आए हैं, रमैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपका है दक्षिण भारत में। सुश्री अनीता जी हैं जो दानदाता हैं मुख्य रूप से, और सर हैं जो आपके साथ आप लोग दान कर रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने आज महादेव के लिए एक मुकुट दान किया है, जिसकी जो मूल्य इन्होंने जो रसीद हमें दी है लगभग 48 लाख रुपये उसका निर्माण की लागत है, और विशेष अवसरों पर महादेव के लिए मुकुट आपके पास से दान प्राप्त हुआ है। सर अभी मुकुट बाबा को अर्पित किया गया है, किस पूजन विधि से क्या क्या किया गया है? दान की कोई पूजन विधि ऐसा नहीं है, दान तो लोग करते हैं, साथ में आराधना अपनी करेंगे और महादेव को अर्पित करेंगे। क्योंकि महादेव के पास लगातार, जैसा मैंने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ को दान प्राप्त होता रहता है अथवा श्री काशी विश्वनाथ को भेंट प्राप्त होती रहती है तमाम दानदाताओं से, तमाम जो महादेव के भक्त हैं और श्रद्धालु हैं उनके माध्यम से प्राप्त होता रहता है। उसी श्रृंखला में आज भी यह एक बड़ा दान प्राप्त हुआ है, जिसको महादेव की सेवा में अर्पित किया गया है। आपसे संपर्क किया गया लगभग पिछले एक सप्ताह से आप लोग संपर्क में हैं, और लगातार ये बात हो रही थी कि किस दिन इसकी तिथि निर्धारित कर ली जाए, तो तिथि निर्धारित करते हुए आज के दिन आप लोग श्रावण माह में यह पवित्र अनुष्ठान कर रहे हैं। महादेव की कृपा बनी रहे, आपको और समृद्धि दें, यश दें, आपका लगातार जो आपकी भावना है समाज के लिए, महादेव के प्रति और मनुष्यता के प्रति, वह बनी रहे, और धर्म का धर्म के क्षेत्र में आपका जो योगदान है ऐसे ही बना रहे, यही हम कामना करते हैं। हर हर महादेव।